टीबी को जड़ से खत्म करने में सोलन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है। विभाग द्वारा लगातार टीबी उन्मूलन को लेकर कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। समय समय पर लोगों की निःशुल्क टीबी जांच करवाई जाती है और साथ ही चिकित्सकों को भी टीबी निवारण के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सकों को टीबी रोग की जांच पड़ताल व इलाज की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। मिला जुला प्रयास है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सोलन के सौजन्य से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल के तत्वाधान में हम लोग कर रहे हैं। अभी इस साल सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हम ट्रेनिंग ऑलमोस्ट दे चुके हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ, इसीलिए मैं इसको मिला जुला प्रयास कह रहा हूं कि ऐसी कार्यशाला निश्चित तौर पर न केवल एक एलोपैथिक डॉक्टर को अपितु इसके हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी इतना सशक्त बना देती है कि आने वाले टाइम में वो अपनी ही हेल्थ सेंटर में, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर जिसे कहते हैं, तो वहीं पर बैठे मरीज का पूरा डायग्नोसिस और आज के बाद वहीं बैठे मरीज का पूरा ट्रीटमेंट किस प्रकार तक शुरू करना है, वो एक जो कड़ी अधूरी रह गई थी उस पर आज हमने मंथन किया है। मुझे खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर डॉक्टर प्रवीण शर्मा सर के सौजन्य से निरंतर विभाग को सपोर्ट मिल रहा है और सभी जो हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक आए हैं, मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो एक बीड़ा हमने उठाया है उसको हम निश्चित तौर पर पूरा करेंगे ताकि समस्त प्रदेश से टीबी उन्मूलन का कार्य 2024 तक किसी एक हद तक तो पूरा किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं डीटीओ सोलन डॉक्टर राजेश सिंह से। नमस्कार। जय हिंद सबको। आज फिर से टीबी के उन्मूलन कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सोलन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और एलोपैथिक डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, एक दिवसीय ट्रेनिंग का प्रयास कर रहा है। आज बतौर डीटीओ मैं स्वयं डॉक्टर अजय सिंह और मेरे टीम के सदस्य श्री राजीव जी फिर से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को और एलोपैथिक डॉक्टर्स को धरातल पर टीबी ऐप के जरिए टीबी के मरीज की पूरी देखभाल कैसे करनी है उस पर ट्रेनिंग का प्रयास कर रहे हैं। आज लगभग हमारे 25 डॉक्टर्स समस्त जिला से, जिसमें 13-14 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और बाकी हमारे एलोपैथी के डॉक्टर्स आए। दिन भर के प्रयास के बाद हमने डॉक्टर से ये भी जाना कि क्या अब वो सक्षम है एक टीबी के मरीज को खुद आयुर्वेदिक संस्थान में इलाज शुरू करने के लिए, तो सब ने हामी भरी। इससे हमें बहुत खुशी है। आने वाले समय में हम मरीज जो होंगे आयुर्वेदिक संस्थान के साथ भी जोड़ेंगे और आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स खुद मरीज की पूरी देखभाल टीबी के क्षेत्र में करने के लिए सक्षम हो गए हैं और इसमें आगे कामयाबी पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।